डियर फ्रेंड्स, हाजिर हूं मैं आपकी सेवा में और आपसे बात करने के लिए। मैं हूं अंकित कुमार साहू राजवीर। बात करने जा रहे हैं हम आज एक बेहतरीन मॉडर्न एज की पोएट ड्रामेटिस्ट के बारे में, और ऑब्वियसली जिन्होंने मॉडर्न एज को लीड किया और आउटस्टैंडिंग उनमें क्वालिटी रही, और वो क्वालिटी जैसे साधारण लोगों में नहीं रही, क्योंकि जो जो भी वर्क टी एस एलियट ने लिखा और जो बातें टी एस एलियट ने लिख दिया वो सारे लोग नहीं लिख सकते। इसीलिए उनको उनके बेस्ट लैंड जैसे वर्क प्रफॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन जैसे वर्क्स, इसके लिए उन्हें बहुत सराहा गया, और इवन 1948 में उन्हें नोबेल प्राइज से भी दोस्तों नवाजा गया। तो इस तरह के एक हम टी एस एलियट के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों। और जो टी एस एलियट का यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी जैसे से कनेक्टेड हो, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी से कनेक्शन हो, या ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव से कनेक्शन हो, तो हम टी एस एलियट को कैसे भूल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं एक बेहतरीन मॉडर्न एज के पोएट टी एस एलियट यानी थॉमस स्टर्न एलियट के बारे में। देखें दोस्तों स्क्रीन पर ये हैं हमारे थॉमस स्टर्न एलियट, जिन्होंने मॉडर्न एज को सेव करने में और मॉडर्न एज की पूरी क्वालिटीज, मॉडर्न एज के फ्रेगमेंटेशन या मॉडर्न एज के डिपिक्शन को दिखाने के लिए इन्होंने पूरा का पूरा अपना जोर लगा दिया। इनका जन्म हुआ था 1888 में। 1888 में जो सेंट लुइस मिशौरी में पड़ता है, जो है यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, यानी 26 सितंबर 1888 सेंट लुइस मिशौरी में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और उनकी डेथ हुई थी इफिसेमा, बीमारी है इफिसेमा, 4 जनवरी 1965 को केनसिंगटन लंदन में दोस्तों उनकी डेथ हो गई थी। इनके जो फादर्स थे, तो इनके फादर का नाम था हेनरी वेयर एलियट, और इनकी जो मदर का नाम था वो था शर्लॉट चैम्पे स्टर्न। वो एक पोएट थी, और जो है इनके जो फादर थे हेनरी वेयर एलियट वो एक बिजनेसमैन थे, और इनकी मदर जो थी शर्लॉट चैम्पे स्टर्न वो एक पोएट थी और सोशल वर्कर भी थी दोस्तों। जहाँ तक इनकी एजुकेशन की बात है, तो इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मेरिटन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में दोनों जगह पर इन्होंने पढ़ा। इन्होंने दो शादियां की थी दोस्तों, एक 1915 में विवेन हेगवुड, जो एक बैलेट डांसर थी, विवेन हेगवुड से इन्होंने शादी की थी, वो बैलेट डांसर थी। और फिर इन्होंने 1957 में एक दूसरी शादी की वैलरी एलियट से दोस्तों। तो ये तो दोस्तों रहा थोड़ा सा टी एस एलियट के बारे में। चलिए डिटेल में थोड़ा कुछ और जान लेते हैं। 1888 में, जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि सेंट लुइस मिशौरी में वो पैदा हुए थे। 1910 में उन्होंने पेरिस एट द सोरबोन, वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई शुरू की 1910 में, मतलब उन्होंने पढ़ा। और 1915 में उन्होंने शादी की, मैंने बताया ना कि एक बैलेट डांसर थी विवेन हेगवुड, जिससे उन्होंने शादी की थी दोस्तों। और उन्होंने अपने आप को एक पोएट के रूप में इस्टेब्लिश कर लिया था 1917 में उनका एक कलेक्शन आया था पोएम्स का, प्रफॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन। इसी से मतलब जो पॉपुलरिटी उनकी बढ़ी, इसी से उन्होंने मतलब उनकी पोएट्री को काफ़ी स्थान दिया जाने लगा, यानी कि उन्होंने अपने आप को एक पोएट के रूप में इस्टेब्लिश कर लिया था 1917 में दोस्तों। 1922 उनके जीवन का मुझे लगता है बेहतरीन टाइम रहा, क्योंकि 1922 ही वो ईयर था दोस्तों जब उन्होंने एक बेहतरीन वर्क को जन्म दिया था, और ये वर्क था एक्चुअली में द क्राइटेरियन, और एक दूसरा वर्क था जिसे आप भूल ही नहीं सकते दोस्तों, वेस्टलैंड, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था दोस्तों। तो ये एक्चुअली में जो वेस्टलैंड जो इन्होंने लिखा दोस्तों, तो वेस्टलैंड को 1922 में इन्होंने पब्लिश किया था। और 1922 में ही पूछ लिया जाता है कि 1922 में ये किस जो है मैगजीन से कनेक्टेड थे, तो दोस्तों कभी ना भूलें वो थी द क्राइटेरियन मैगजीन। 1925 में वो डायरेक्टर बन गए थे फेवर और फेवर के। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि ये फेवर और फेवर के कब जो है डायरेक्टर बने, तो 1925 में फेवर एंड फेवर पब्लिकेशन के ये डायरेक्टर बन गए थे, उसके पब्लिशर्स बन गए थे दोस्तों। 1927 ही एक्वायर्ड ब्रिटिश चैंपियनशिप एंड कन्वर्टेड टू एंजेलिकन। उन्होंने अपना धर्म कब बदला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी दोस्तों, कि उन्होंने जो अपना धर्म बदला था, तो 1927 में उन्होंने अपना धर्म जो है बदल लिया था, और अपने धर्म बदलने के करके उन्होंने जो है ब्रिटिश सिटीजनशिप ले ली थी दोस्तों। और ये ब्रिटिश सिटीजनशिप थी जो
तो एंजेलिकन जब धर्म उन्होंने ले लिया और ब्रिटिश सिटीजनशिप ले ली, क्योंकि वो पहले तो अमेरिका के थे, जब वो मैंने बताया ही दोस्तों आपको कि वो पैदा कहाँ हुए थे, वो सेंट लुइस मिसौरी में, मैंने आपको देखिए पहले ही जो है पेज में बताया कि उन्होंने वो जो पैदा हुए थे वो सेंट लुइस मिसौरी यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका में पैदा हुए थे। लेकिन आगे आकर के उन्होंने ये जो लास्ट पॉइंट मैंने अभी अभी आपको बताया कि 27 में उन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप जो है ग्रहण कर ली और उन्होंने अपना धर्म बदल लिया, वो एंजेलिकन हो गए दोस्तों। तो आगे देखेंगे हम कि 1930 में, 1930 से, और जो है वो 1930 से 1960 तक दोस्तों, 30 से 60 तक उन्होंने जो है उनका जो ये मोस्ट डोमिनेंट फिगर रहे वो एक पोइट्री में, पोइट्री के क्षेत्र में उनके वर्क और पोइट्री में उनकी राइटिंग को अगर देखा जाए तो बेहतरीन रहा। क्योंकि जब प्रूफॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन इधर पब्लिश्ड हुई और उसके बाद आपकी वेस्टलैंड आई 1922 में, तो वेस्टलैंड के आने के बाद जो उन्होंने डिपिक्शन दिया उससे लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता बढ़ चुकी थी और इसीलिए 1948 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उन्होंने नोबेल प्राइज इसके लिए लिटरेचर के लिए उनको दिया गया और 1965 में उनकी डेथ हो गई दोस्तों। यानी कि वो पैदा हुए थे तो पैदा हुए 1888 में दोस्तों, और उनकी जो डेथ हुई थी तो वो हुई 1965 में। तो टी एस इलियट के ये काफ़ी लंबा जीवन उन्होंने जिया और काफ़ी उन्होंने लंबा पोएटिक कैरियर की पारी खेली दोस्तों। उनके वर्क की बात अगर हम करें तो देखिए दोस्तों, उनके वर्क पर हम फोकस जरूर करेंगे। वो प्रूफॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन मैंने अभी ही आपको बताया कि 1917 में दोस्तों उनका आया था, प्रूफॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, जिसमें आपने एक बेहतरीन पोएम का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आपको मैं बताता हूँ, एक उनकी पोएम है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक। ये उसी में, यही प्रूफॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं टी एस इलियट ने जो पब्लिश किया था, उसी में प्रूफॉक नाम की ये पोएम थी। और जो प्रूफॉक नाम की ये पोएम है ये मॉडर्न लवर्स की या मॉडर्न मैन की जो इनकैपेबिलिटी, एक्सप्रेशन की इनकैपेबिलिटी ऑफ फेसिंग को प्रदर्शित करती है दोस्तों। 1922 में वेस्टलैंड, जिसे हम ये कह सकते हैं वेस्टलैंड को द बेस्ट वर्क ऑफ मॉडर्न एरा एंड इवन इंग्लिश लिटरेचर का भी, क्योंकि मॉडर्न एज की जिस प्रकार से इसमें वेस्टलैंड में 1922 में जो पब्लिश हुआ डिपिक्शन है, तो ये द सिंगल मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएटिक वर्क ऑफ द 20th सेंचुरी। मैंने बताया ही जैसे कि ये सिंगल ऐसा वर्क है और मोस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल वर्क है, पोएटिक वर्क है, वो किस सेज का, 20th सेंचुरी का दोस्तों। यानी कि जो वेस्टलैंड है 20th सेंचुरी का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क है। अगर इतना इसको अहमियत दी गई है इस मेरी स्लाइड में यानी इस मेरे वीडियो में, इट मीन्स कि क्वेश्चन दोस्तों पीजीटी लेवल के बनते हैं तो वो क्वेश्चन आपके यहीं से होते हैं, या तो प्रूफॉक से बनते हैं, या तो वेस्टलैंड से बनते हैं, या तो मॉडर्न इन कैथीड्रल से बनते हैं दोस्तों। चलिए हम आगे देख लेते हैं। होलो मैन इनकी एक पोयम आई वो 1925 में दोस्तों। होलो मैन भी इनका एक बेहतरीन वर्क है, लेकिन वेस्टलैंड और प्रूफॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन को ये आउटडेट नहीं कर सकते हैं, यानी कि उनको पार भी नहीं कर सकते जितना बेहतरीन वर्क वो हैं। कुछ और वर्क्स हैं जो इनके आए, वो हैं एरियल पोएम्स 1927 में, फिर 1930 में एस वेडनेसडे भी इनकी बेहतरीन पोएम है, फोर क्वार्टेट। जितना भी यहाँ पर मैंने ये जो आप इनके वर्क दिए हैं दोस्तों, इनको आप जरूर इतना तो याद ही रखें कि ये कब पब्लिश्ड हुए। जो फोर क्वार्टेट है वो 1935 से 42 के बीच में दोस्तों पब्लिश हुआ था, एस वेडनेसडे 1930 और एरियल पोएम्स 1927। और 1935 में इनका जो फोर क्वार्टेट 1935 से 42 के बीच में आया, फोर क्वार्टेट्स, मर्डर इन कैथीड्रल दोस्तों, इसको ना भूलें मर्डर इन कैथीड्रल को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जिसमें उन्होंने कैंटरबरी चर्च में जो है थॉमस बैकेट के मर्डर को डिपिक्ट किया है। और ये बेहतरीन 20th सेंचुरी का बेहतरीन एक पोएटिक प्ले है दोस्तों। मर्डर्न कैथेड्रल कैसा प्ले है, ये एक पोएटिक प्ले है। और इसके बाद इन्होंने जो फैमिली रियूनियन 1939 में आया था दोस्तों, ये जो फैमिली रियूनियन है ये भी एक पोएटिक प्ले ही है। और इसमें एक्चुअली में जो टी एस इलियट ने एक नया रिवाइवल किया था पोएटिक प्लेज का, पोएटिक प्लेज राइटिंग का, क्योंकि उन्होंने, उनका मानना था कि पोएट्री इज़ द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन थॉट।
तो इसीलिए उन्होंने अपने ड्रामाज को भी पोएट्री के माध्यम से ही उन्होंने लिखा दोस्तों। तो एक बार मैं और आपको रिवाइज कर देता हूँ कि उनके वर्क्स कैसे कैसे आए दोस्तों, बिल्कुल एक बार ज़रूर आप देख लें। जैसे कि जो प्रूफॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन जो उनका वर्क आया दोस्तों, वो 1917 में आया, प्रूफॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, जिसमें एक बेहतरीन पोएम थी जिसको आपको याद रखना है, वो है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक। लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक मैंने बताया कि एक हेल्पलेस मैन की, एक मॉडर्न मैन की आदमी है, वो गंजा है, वो अपने आप को देखता है, वो एक लेडी से मिलने जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या चीज़ें देख रहा है, वो देख रहा है मैं बाल्ड हो गया हूँ, ये सारी चीज़ें वो नोट कर रहा है, जैसे कि आज का एक मॉडर्न मैन करता है। अगर आप किसी से मिलने जा रहे होते हैं तो शीशे के सामने 20 बार खड़े हो जाते हैं और 20 बार देखते हैं कि मैं सही लग रहा हूँ या नहीं, पता चलता है कि आपका भी थोड़ा सा ये गड़बड़ है यार, अभी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये सही नहीं लग रहा है, एक्चुअली में वो सही नहीं लग रहा है। तो इसी काइंड ऑफ डिपिक्शन है जो है आपका ये प्रूफॉक एंड ऑब्जर्वेशन। देखिए फ्रेगमेंटेड पर्सनालिटी के बारे में, जहाँ तक अगर कोई मिलने जा रहा है किसी से अपनी, वो भी खासकर बिलवेड से, तो वहाँ पर बहुत बेहतरीन सीन होना चाहिए। लेकिन देखिए मैं ओपनिंग आपको थोड़ा सा बता देता हूँ प्रूफॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन के, प्रूफॉक वर्क की, यानी द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक कैसे ओपन होता है दोस्तों। ये ओपन होता है लेट अस गो देन यू एंड आई, कहता है चलो हम दोनों चलते हैं, यू एंड आई, ये यू एंड आई कौन है। लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन इवनिंग इज स्प्रेड अगेंस्ट द स्काई, कह रहा है कि जब इवनिंग स्प्रेड है, फैल चुकी है स्काई के नीचे। एक्चुअली में ये जो उनका, एक्चुअली में ये जो उन्होंने इमेजेस यूज किया है, जो इन्होंने सिम्बल्स यूज किया है, एक्चुअली में उसी से क्लियर हो जाता है कि जो आपका कैरेक्टर है, यानी कि प्रूफॉक है, जो वो खुद ही कन्फ्यूज है, वो कैसे जाना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है। अगर आप पोएम पढ़ेंगे तो ज़रूर आप काफ़ी सारी बातें पाएंगे दोस्तों। ये तो रहा थोड़ी सी प्रूफॉक की बात, आगे देखते हैं। 1922 में उनकी वेस्टलैंड पब्लिश हुई और इसे माना जाता है 20th सेंचुरी का बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने वाला वर्क। होलोमैन जो था वो 1925 में दोस्तों आया था। इसके बाद इनके और वर्क जो हैं वो है एरियल पोएम्स 1927 में, और 1930 में एस वेडनेसडे, 1935 से 42 के बीच में फोर क्वार्टेट्स इनका आया। और यहाँ पर फिर से एक बार आप रुक जाइए दोस्तों, क्योंकि मर्डर इन कैथीड्रल जो 1935 में आया था, मैंने आपको बताया कि एक पोएटिक प्ले है, और इसमें जो है बात किया उन्होंने, मार्टिडम उनकी थीम है इस प्ले में, और यहाँ पर उन्होंने पोएटिक डिवाइस को यूज करके और बेहतरीन एक ड्रामा लिखने की दोस्तों उन्होंने कोशिश की है T.S. एलियट साहब ने। और इसके बाद जो अगला वर्क बेहतरीन रहा वो 1939 में आया था, वो था दोस्तों फैमिली रियूनियन। ये 1939 में आया था, इनको आप बिल्कुल याद रखें दोस्तों, नोट डाउन भी कर लें। T.S. एलियट के जो 19th सेंचुरी वर्ल्ड में उन्होंने एक्चुअली में कुछ जो बातें उन्होंने अपने वर्क्स में दिखाई वो क्या थी, जैसे कि क्योटिक मतलब ऑर्डर्ड, फ्यूटाइल मीनिंगफुल, पैसिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक, मॉडर्न T.S. एलियट के बारे में और 19th सेंचुरी। अगर उन्होंने जो मॉडर्न 19th सेंचुरी में उन्होंने एक्चुअली में वही जो था कि 19th सेंचुरी में आप ऑर्डर देखते हैं, लेकिन जब T.S. एलियट मॉडर्न सेंचुरी में लिखते हैं तो क्योटिक मीनिंगफुल लाइफ फ्यूटाइल हो जाती है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक और यहाँ पर पैसिमिस्टिक हो जाता है जीवन, स्टेबल और अनस्टेबल। वर्ल्ड वार ने जो कंडीशन की थी दोस्तों उसको आप समझ सकते हैं, फेथ यहाँ पर वही चीज़ अनफेथ में बदल गई दोस्तों। और नीचे देखिए मोरलिटी जो थी वो मोरल वैल्यूज आपकी कोलैप्स हो चुकी थी, और कन्फ्यूज्ड सेंस ऑफ आइडेंटिटी आ चुकी थी, जो क्लियर सेंस था कि आइडेंटिटी का, वो आइडेंटिटी क्राइसिस आ चुकी थी दोस्तों। एक्चुअली में जो 19th सेंचुरी थी वो बिल्कुल टोटली चेंज हो चुकी थी 20th सेंचुरी में आकर के, जिस दौरान T.S. एलियट ने लिखा आपके दोस्तों 19th सेंचुरी की, ये जो सारी करेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं यहाँ पर, ये सारी करेक्टरिस्टिक्स आपके मॉडर्न एज की हैं, क्योंकि पैसिमिज्म आ गया लोगों के अंदर, अस्थायित्व आ गया, लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करने लगे। वजह थी दोस्तों इसके बारे में, इसकी वजह यह थी कि जो पहला वर्ल्ड वार था उसने तो तोड़ा ही, लेकिन उसके बाद जो दूसरा वर्ल्ड वार आया दोस्तों उसने तो और भी तोड़ दिया। इसीलिए जो 20th सेंचुरी है वहाँ पर जीवन कैसा लगने लगा, जो ऑर्डर था वो क्योटिक हो गया, मीनिंगफुल फ्यूटाइल हो गया, ऑप्टिमिस्टिक जो है पैसिमिज्म में बदल गया, अनस्टेबिलिटी आ गई, फेथ चला गया लोगों से, एक दूसरे पर भरोसा ही खत्म हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों T.S. एलियट ने अपने वर्क में
ये सारी चीज़ें उन्होंने डिपिक्ट करने की दोस्तों कोशिश की है। आगे देखो दोस्तों, देखते हैं अगर हम लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक नाम के वर्क की बात करें दोस्तों, मैंने बताया था कि मैं इस लेक्चर में आपसे बात करूंगा कि टी एस इलियट ने जो वर्क लिखे तो उनके कुछ जो बेहतरीन वर्क रहे, जैसे ये लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक रहा हो, या फिर वेस्टलैंड जो 1922 में पब्लिश हुई, या तो फिर बात करें हम जो 1935 में उनका वर्क आया मर्डर इन कैथीड्रल, और 1939 में उनका प्ले आया था एक द फैमिली रियूनियन। ये आपके सबसे महत्वपूर्ण प्ले हैं, मैं इनको बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको वो याद हो जाए दोस्तों, क्लियर कट आपका जो कॉन्सेप्ट रहे वो क्लियर रहे। पोएटिक फॉर्म में उन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये जो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक है, ये लव सॉन्ग कहीं से भी नहीं है दोस्तों। इसमें ऐसी ऐसी बातें हुई हैं कि लव सॉन्ग टाइप की चीज़ ही नहीं लगती, लेकिन उन्होंने इसको नाम आयरोनिकली एक नाम दिया लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक, क्योंकि एक मॉडर्न मैन का डिपिक्शन और मॉडर्न एज की राइटिंग ही आपकी दोस्तों डिफरेंट है। जैसा कि मैंने आपको अभी ही पीछे यहाँ पर ऊपर मैंने बताया कि वहाँ पर राइटिंग क्या हो चुकी थी, उस राइटिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका था दोस्तों, क्योटिक हो गई थी, फ्यूटाइल, पैसिमिस्टिक, अनस्टेबल्स, लॉस ऑफ फेथ हो गया था, कोलैप्स ऑफ मॉरल वैल्यूज, ये सारी मॉडर्न एज की ही करेक्टरिस्टिक्स हैं दोस्तों। मैं अभी आपसे, अगर मुझे मेरे पास टाइम रहा तो मैं आपको ज़रूर बताता रहूँगा, एजेस के बारे में बताऊँगा आपको, रेनेशा हो, वो रिफॉर्मेशन हो, न्यू क्लासिकल एज हो, रोमांटिक एज हो, इन सारी एजेस के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से बताऊँगा। तो इन सारी चीज़ों को डिपिक्ट करने के लिए लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक बेहतरीन है दोस्तों। जो इसमें कंटेंट है तो प्रोटागनिस्ट रियलाइजेशन ऑफ डेथ विद इन लाइफ, प्रोटागनिस्ट जो है यानी कि जो प्रूफॉक है वो अपने अंदर ही डेथ विद इन लाइफ मतलब जीवन में ही मृत्यु को देख रहा है, अपॉर्चुनिटी सारी खत्म हो चुकी हैं, और हिज लाइफ एंड द लैक ऑफ एनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, और कोई भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस उसको नहीं दिख रही है दोस्तों। तो इस टाइप की कंडीशन हो गई है किसकी, ये जो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक के जो आपके कैरेक्टर हैं प्रूफॉक, स्पीकर जो है वो मिडिल एज्ड है, पैसिव है, एमलेस मैन है, और ही लिंक्ड टू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल इनर्सिया, यानी फिजिकल और इंटेलेक्चुअल इनर्सिया से वो काफ़ी प्रभावित है, इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट विद हिज फेलो बीइंग्स, और उसमें इतनी भी योग्यता नहीं कि वो दूसरों से अपने फेलोज से अपनी बातें बता सके, वो जिससे मिलने जा रहा है उससे मिलने के बारे में ही एक्चुअली में वो पूरा का पूरा डेड श्योर नहीं है। स्टाइल में इसमें जो एक्चुअली में जो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक जिस स्टाइल में लिखा गया है वो पोएटिक इमेजेस के थ्रू, एवरीडे फ्रेजेस, इमेजेस, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव के साथ जो है डायरेक्ट स्टेटमेंट्स के साथ ये जो है डील हुआ है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक दोस्तों। बात करेंगे हम उनके दूसरे जो वर्क की, बात मैंने बार बार चर्चा की थी दी वेस्टलैंड, और वेस्टलैंड में ये एक ऑटोबायोग्राफी रिटन इन ए मोमेंट ऑफ क्राइसिस इन द लाइफ ऑफ द पोएट, ये इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी, ये एक ऑटोबायोग्राफी टाइप है, और ये उस मोमेंट में लिखी गई है जो क्राइसिस थी जब पोएट की बहुत ज़्यादा लाइफ में, और इट कंसिस्ट, कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि जो वेस्टलैंड है वो कितने पार्ट में है, तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए क्लियर कट मेरे पास बताने के लिए है कि इट इज़ डिवाइडेड इंटू फाइव सेक्शंस। ये फाइव सेक्शन कौन कौन से हैं, ये फाइव सेक्शन आप जरूर याद रखें, उनको बिल्कुल सीक्वेंसली याद रखें दोस्तों, क्योंकि अगर सीक्वेंस पूछ लेता है कि इसका सीक्वेंस क्या है और मैं बता देता हूँ याद नहीं आपको हो पाता तो कोई बात नहीं होती है, आप जरूर एक बार देख लें कि इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, ये फाइव सेक्शंस हैं तो कौन कौन से पार्ट हैं दोस्तों। ये आगे देखते हैं हम, ये इसमें जो फाइव सेक्शन में इन्होंने रिफ्लेक्ट किया है फ्रेगमेंटेशन एक्सपीरियंस ऑफ 20th सेंचुरी, सेंसिबिलिटी ऑफ द ग्रेट मॉडर्न सिटीज ऑफ द वेस्ट, बेस्ट सिटीज की जो है इन्होंने सेंसिबिलिटी को दोस्तों जो है दिखाने की कोशिश की है। वेस्टलैंड में ये एंथोलॉजी है डिटर्मिनेट स्टेट्स ऑफ माइंड, हेलुसिनेशंस, इंप्रेशंस, पर्सनालिटीज ब्लेंडेड एंड सुपर इम्पोज्ड बियॉन्ड दी बाउंड्रीज ऑफ द टाइम एंड प्लेस, इसमें एक्चुअली में जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक टाइप की, यानी स्ट्रीम जो थॉट्स की स्ट्रीम एक चलती है और उसी टाइप की बात करते हैं। ये इसमें एक मिथ दो तीन दिखाए गए हैं दोस्तों, उन मिथ की हम बात कर लेते हैं, और ये मिथ है जैसे टायरेसियस मिथ है एक, अ नाइट फ्रॉम द ग्रेल लीजेंड,
द फिशर किंग, फिशर किंग मिथ यूज किया गया है दोस्तों इसमें, तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि वेस्टलैंड में सब क्या चीज़ें यूज की गई हैं। आगे आते हैं दोस्तों, द डिसइल्यूजन एंड डिसगस्ट ऑफ द पीरियड आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट। इस पोएम में दिखाने की कोशिश की गई है डिसइल्यूजनमेंट, डिसगस्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद की, और इसमें कंट्रास्ट है बिटवीन पास्ट फर्टिलिटी एंड प्रेजेंट स्टेरिलिटी का, दोनों के बीच का कंट्रास्ट है। द मिथिकल पास्ट लिंक्ड टू अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री एंड रिपीटिशन ऑफ द सेम इवेंट। इसमें जो स्प्रिंग सिंबल्स हैं तो डिफरेंट फ्रॉम, जैसे कि जैसे यूज किया गया है अब्सेंस ऑफ रिबर्थ, जैसे कि इसमें जो ओपनिंग होती है आप दोस्तों देखते हैं, चूंकि जोफ्री चासर का वर्क है कैंटरबरी टेल, तो उसमें स्प्रिंग को बेहतरीन मंथ दिखाया गया है, मंथ ऑफ पिलग्रिमेज, यानी कि पिलग्रिमेज पर जाने का, बहुत श्राइन पर जाने का, यानी किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस को विजिट करने का ये टाइम होता है। लेकिन जो आपकी वेस्ट लैंड है, ओपनिंग लाइन, अप्रैल इज द क्रुएलेस्ट मंथ, ब्रीडिंग रिलैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड, तो इसमें अप्रैल को क्या कहा गया है, क्रुएल मंथ कहा गया है। तो ये क्या है, ये सिंबल्स का जो है एक्चुअली में डिफरेंट टाइप से यूज करना होता है। उन्होंने अप्रैल को क्रुएल मंथ कहा है, लेकिन चौसर अप्रैल को क्या कहते हैं कि ये पिलग्रिम्स स्टार्ट करने का मंथ होता है। वेस्टलैंड का जो स्टाइल है वो एसोसिएशन ऑफ आइडियाज पर बेस्ड है दोस्तों, पास्ट एंड प्रेजेंट को इन्होंने साइमल्टेनियसली एक साथ उन्होंने ब्लेंड किया है। मिथिकल मेथड भी है, क्योंकि उन्होंने टू गिव सिग्निफिकेंस टू द प्रेजेंट फ्यूटिलिटी, प्रेजेंट फ्यूटिलिटी के सिग्निफिकेंस देने के लिए उन्होंने मिथिकल मेथड का प्रयोग भी किया हुआ है। और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस मेड यूनिवर्सल, और इसमें जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, जो टी एस इलियट के खुद का एक्सपीरियंस है जो शेयर करते हैं लंदन सिटी का, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वेस्टलैंड के कुछ कोटेशंस जो है कई सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस से लिए गए हैं, जो उनके कोटेशंस हैं, ओपनिंग हो बीच में भी कई जगह से, जैसे कि दा 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 दत्त दयाधम दाम्यता, हिरण्यक जो है मुंडकोपनिषद है उससे लिया गया है दोस्तों। तो ये जो है एक्चुअली में जो इनका डिपिक्शन है काफ़ी यूनिक है, इनकी राइटिंग है जो वेस्टलैंड की वो काफ़ी यूनिक है, और इन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का भी अच्छा यूज किया है। रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स आपको मिल जाएगा इस वर्क में, रिपीटिशन ऑफ द वर्ड एंड फ्रेज बार बार मिल जाता है, क्योंकि मॉडर्न लाइफ को उन्होंने शो करने के लिए बेहतरीन ये तरीका अपनाया है दोस्तों। इनके एक हम पोएटिक टर्म की बात कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टी एस इलियट के लिए एक ऐसा पैटर्न है, पैटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट है, इवेंट है, एक्शन है और सिचुएशन है, जो सर्व करता है इफेक्टिवली टू अवेकन इन द रीडर एंड इमोशनल रिस्पॉन्स, इमोशनल रिस्पॉन्स को अवेकन करने के लिए ये चूज किया जाता है। विदाउट बीइंग अ डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ दैट सब्जेक्टिव इमोशन, मतलब डायरेक्ट स्टेटमेंट बनने की अपेक्षा इमोशनल रिस्पॉन्स पर इसमें जो है जगाने के लिए रीडर का ये यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ऑब्जेक्ट से कोरिलेट कर देने की ये टेक्निक दोस्तों। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बारे में जो है टी एस इलियट और मॉन्टेल, यानी कि दो लोग हैं, इनका एक वो दिया गया है, दोनों का कंपैरिजन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों आपके लिए, आगे हम बढ़ जाते हैं। बोथ इलियट एंड मॉन्टेल डिपिक्ट अ डेसोलेट लैंडस्केप, दे बोथ रेफर ए वेस्ट लैंड ऑफ द स्पिरिट, दिस लैंडस्केप इज कॉस्मोपॉलिटियन, इसका कोई बेहतरीन दोस्तों यूज नहीं है, इसीलिए मैं इसको लेफ्ट कर देता हूँ। हम आते हैं दोस्तों हॉलो मैन पर। हॉलो मैन जो है वेस्ट लैंड की तरह ही एक ये पोएम है, इसमें जो मेन थीम है वो है डिस्पेयर एंड डिसोलेशन, आपको इसमें देखने को मिलता है नो रिडेम्पशन इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फेथ, कोई भी किसी प्रकार का रिडेम्पशन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि लोगों में विश्वास की कमी है इसलिए। और इसमें जो बात की गई है पास्ट एंड प्रेजेंट की बात की गई है, जैसे कि आप वेस्टलैंड में भी देखते हैं कि कई बार कई जगह से कोटेशन लेकर के और कई जगह की लाइन उन्होंने कोट करके इस टाइप की चीज़ें डिपिक्ट की हैं। अगला वर्क दोस्तों उनका है जर्नी ऑफ दी मैगी, काफ़ी महत्वपूर्ण है और मैंने इसके बारे में बात भी की थी कि जर्नी ऑफ दी मैगी एरियल पोएम्स जो उनकी आई थी वो 1928 में आई थी,
और ये इन्होंने तब जो है ये लिखा जब वो क्रिश्चियनिटी को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। और इसमें क्या है, जर्नी ऑफ द मैगी में द जर्नी टू द बर्थ प्लेस ऑफ क्राइस्ट टोल्ड बाई वन ऑफ द मैगी, एक मैजाई के द्वारा बताई गई जो है ये जर्नी है जिसमें बर्थ प्लेस को विजिट किया जाता है क्राइस्ट के। इसमें नो सेलिब्रेशन, द जर्नी इज पेनफुल एंड मीनिंगलेस, ये जो जर्नी है वो पेनफुल है और मीनिंगलेस है, लेकिन लोगों को आनंद आता है कि हम जीसस क्राइस्ट के की श्राइन पर जा रहे हैं या जीसस क्राइस्ट के बर्थ प्लेस पर जा रहे हैं। एट द फर्स्ट देयर इज द रिग्रेट ऑफ द प्रीवियस लाइफ एंड करेक्टराइज्ड बाय द एलिनेशन, एलिनेशन इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, रिग्रेस्ट है प्रीवियस लाइफ के बारे में, क्योंकि जब लोग जाते हैं तो वो सोचते हैं कि वहाँ जाएंगे, वहाँ जाने से हमारे पाप धुल जाएंगे। जर्नी ऑफ द मजाई जो एरियल पोएम्स में आई थी दोस्तों, रिटर्न आफ्टर हिज कन्वर्सेशन टू क्रिश्चियनिटी, मैंने आपको बताया ही, और इसमें जो कंटेंट है मैंने ये भी बताया कि बर्थ प्लेस को विजिट करने का है, और इसमें पैगनिज्म के एंड की बात उन्होंने की है, पैगनिज्म कल्चर के एंड की बात की है। द मगास कैन नॉट फील एट होम एमंग एन एलियन पीपुल क्लचिंग देयर गॉड्स, दिस कैप्चर्स द ऑकवर्डनेस फेल्ट बाई दी फेथफुल एमंग दी नॉन बिलीवर्स वाइस और वाइस वर्सा, यानी कि जो नॉन बिलीवर्स हैं एक्चुअली में जो आइडियोलेटरी है और या इसे कहें पैगनिज्म जो है, तो इस पैगनिज्म के एंड के लिए इन्होंने इस पर बात की है जर्नी ऑफ द मैजाई में। दोस्तों इस लेक्चर के लिए इतना ही, मैं अगले अपने लेक्चर में आता हूँ दोस्तों, और मैं आपसे बात करूँगा वहाँ पर TS इलेट पर बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।